अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो इस टाइम हम आए हैं कैथेड्रल चर्च हजरतगंज में, क्योंकि आज 24th है, यानी क्रिसमस ईव है। बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ, खूब रश होता है। तो हमने सोचा क्रिसमस का व्लॉग आज 24th से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चारों तरफ बहुत अच्छा सजा है, बहुत प्यारा चर्च लग रहा है। SBI के अपोजिट आए हैं। यहाँ की कॉफ़ी, शिकंजी और सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, तो बस यहाँ आए और कॉफ़ी ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस वही कॉफ़ी ऑर्डर करने गए थे, दो हॉट कॉफ़ी पीते हैं। और ये स्टेडियम का बैक में है, मतलब थैंक यू भैया। तो आ गई है हम लोगों की कॉफी, गर्मा गर्म चीयर्स। हाँ बस, और बड़ा अच्छी सी, ये देखिए झाग वाग एकदम बेहतरीन सब है। कभी ऐसे जब्बार पे मिला करती थी, जब्बार कॉफी सच में। वो जो लखनऊ वाले हैं और तो उनको पता होगा कहाँ पे हलवासिया, अरे हलवासिया ना नहीं, वो लवलेन में जब्बार कॉफ़ी हाउस था। मतलब बहुत चाय कॉफ़ी पी है वहाँ। वो तो सब टूट के अब नई मार्केट बन गई है, लेकिन हाँ जब भी वहाँ से निकलते हैं जब्बार कॉफ़ी हाउस ज़रूर याद आता है। तो जिनको पता है कि लखनऊ में जब्बार कॉफ़ी हाउस लवलेन में था, या याद है उनको, या कभी कॉफ़ी पी है वहाँ, तो उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये समझ में नहीं आ रहा इसको पीना है कि खाना, ठंडा ही। ओके एकदम फुल है, बहुत अच्छी टेस्टी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, बस ये अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ले फिर घर चलते हैं, ठंडा पड़ रहा है, काफ़ी रात हो गई है। तो आज है 25th of December, यानी क्रिसमस है। हम फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें सबसे मिलने जा रहे हैं मेरे क्रिसमस के लिए। तो चलिए चलते हैं उनके घर और देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको तो दिखाएंगे ही। तो चलिए चलते हैं क्रिसमस के लिए।
जाम है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत देर से हम लोग लाइट में, रेड लाइट में खड़े हुए हैं। भाई क्रिसमस की वजह से गंज तो पूरा जाम पैक है, मतलब वहाँ तो एंट्री ही नहीं है, खाली आप पैदल ही जा सकते हैं गाड़ी खड़ी करके। और उसके अलग यानी विधानसभा के साइड में वो भी एकदम काफ़ी 10 मिनट से तो जाम में आई हैं। रुक गए थे शॉप पर जहाँ जा रहे हैं क्रिसमस मिलने, वहाँ बच्चे के लिए सोचा कुछ चॉकलेट वॉकलेट ले लें तो वही लिया है। चलिए अब चलते हैं, पास में ही घर है, चल रहे हैं। पहुँच गए हैं पंटी भाई के घर, उनका भी घर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, सारे घर बहुत प्यारे सजे हुए हैं। मेरी क्रिसमस। हेलो, तो यहाँ आए हैं हम बेबी क्या क्रिसमस पर। अब बहुत सारा सामान इन्होंने बनाया हुआ खिलाने के लिए, सब खाते हैं। कल की बात है, यहाँ लिबर्टी में लगी थी मिशन को लाल ईद का दिन लिबर्टी लगी है पहला दिन, पहले पोस्टर हम तब से रस्सी बांधे में इसे पकड़े हुए पहला दिन, पहले तो गई हम ईद वाले दिन खासा के वहाँ गए। अरे तो हम लोग आए हैं सैमी बंटी भाई और बेबी से मिलने मैरी क्रिसमस पर। बहुत अच्छा से सब इन लोगों ने खिलाया, बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया और बहुत सारी चीज़ें खिलाई। तो मिलते हैं फिर आते जाते, बाय बाय, बाय बाय बाय। हेलो कहो, हेलो, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलो तो। ये प्रेरणा है और मधुलिका की फ्रेंड है, हम लोग क्रिसमस पे आए हैं और केक जरूरी है। हेलो, चल रहा होगा वही काम। मैरी क्रिसमस। और क्या हाल है, बहुत टाइम के बाद जो पूरा बोलेगा उसके नहीं, बिल्कुल सच में और ये डेक्चा रखा है। मधुलिका बार बार कह रही है कि डेक्चे की फोटो आनी चाहिए, बिरयानी का डेक्चा, ये मधुलिका खाने वालों की फोटो भी। बाकी सब लोग बहुत अच्छे से खाना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बस, हेलो राजू भाई, आपको कौन बुला रहा है? और
और बाकी बच्चे कोई कह रहा है डेक्चा नहीं आना चाहिए पर डेक्चा जरूर आएगा अभी बिरयानी का हम लोगों ने खाया है नेचुरल है क्यों नहीं इधर देखो खुशी जैन हेलो से हाय मेरी क्रिसमस आइए अरविंद भाई अरविंद भाई आइए भाभी है मेरी आप सब सुन ले बस हम लोग क्रिसमस में आए एकदम सब क्रिसमस मना रहे हैं और आप सब मैरी क्रिसमस हो जाए ये आ गई है एनी एनी हमेशा बोलती है Merry Christmas! Merry Christmas, Annie! Thank you. I love you! And a Happy New Year! Subscribe our channel! Like and share! Like and share! सबसे पहले बोलेंगे क्या खा रहे हो भुने हुए आलू रोस्टेड आलू रोस्टेड आलू और इधर सेल्फी चल रही है आखिरी में पूछ रहे आओ तुम चाहे जहाँ नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें तुझे मिलने के भी तुझे मिल के भी कैसे बताऊं किस-किस पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जागा तेरे ख्यालों में जा रहा हूँ जैसे के माला में डाला बादल बिजली चंदन पानी जैसा हमने भी तेरे हर एक गम को
बेकरार है बातें करने।